ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्ट फिफ्थ, जो कि सीन है बेलमोंट में। और सीन जो बिगिनिंग होता है लोरेंजो और जेसिका की टॉक से होता है। लोरेंजो और जेसिका हैं, मूनलाइट नाइट है, और वो एक दूसरे को ऐसे ऐतिहासिक एग्जांपल दे देकर समझाते हैं, जैसे हम हीर रांझा रोमियो जूलियट का एग्जांपल देते हैं ना, क्योंकि वो एक रोमांटिक कपल है और घर से भागकर शादी की है उन्होंने। तो लोरेंजो और जेसिका जो है, जैसे इंडियन थ्योरी में, इंडियन पुरानी कहानियों में हीर रांझा की कहानी का जिक्र होता है, इसी तरह ट्रोइलस और क्रिसिडा का होता है, रोमियो जूलियट का होता है। ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं पुरानी लीजेंडरी एग्जाम्पल्स इसमें, ब्रिटिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि वो कभी जैसिका देती है और कभी लोरेंजो। तो द सीन इज इन बेलमोंट, समबडी इज ट्राइंग टू ज्वाइन। तो लोरेंजो और जैसिका जो है मूनलाइट नाइट में बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं। लोरेंजो, द मून शाइंस ब्राइट इन सच अ नाइट एज दिस, वेन द स्वीट विंड डिड जेंट्री जेंटली किस द ट्रीज एंड दे डिड मेक नो नॉइज इन सच अ नाइट, ट्रोइलस मी थिंक्स माउंटेड द ट्रोयन वॉल्स एंड साइटेड हिज सोल टूवर्ड द ग्रीशियन टेंट्स वेयर क्रिसिडा ले दैट नाइट। तो इसमें मूनलिट नाइट है और जो हवा है चांदनी रात में, हवा बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे कि पेड़ों को छू रही हो, जैसे रात को बड़ी तेज आंधी आई थी, तूफान आया था, तो उसमें पेड़ गिर जाते हैं तूफान में। तो बट उस रात जो लोरेंजो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, चांदनी रात है, धीरे धीरे हवा चल रही है, कोई शोर नहीं है, कोई तेज हवा नहीं है। तो यहाँ ट्रोइलस और क्रिसिडा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे लगता है इस रात में जैसे ट्रोइलस जो है ऐसी रात ही हुई होगी जब ट्रोइलस उस दीवार पर चढ़ा होगा जहाँ, और उस हवा उसकी तरफ जहाँ पर क्रिसिडा का वो टेंट लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, तो उस तरफ आह भरी होगी और वो उसकी जहाँ पर अपनी हवा आह भर कर वो हवा वहाँ छोड़ी होगी जहाँ पर क्रिसिडा सो रही थी। देखिए मैं लाइन टू लाइन कर रही हूँ, द मून शाइंस ब्राइट इन सच अ नाइट एज दिस, कहते देखो ऐसी रात में चांदनी रात है, चांद चमक रहा है। व्हेन द स्वीट विंड, ऐसी हुआ होगा, व्हेन द स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज, और ऐसे ही जैसे आज रात है चांदनी रात, ऐसे ही वो रात भी उस रात में ठंडी अच्छी हवा जो है, सुहावनी हवा ने पेड़ों को छुआ होगा, एंड दे डिड मेक नो नॉइज, और कोई शोर नहीं किया होगा इन सच ए नाइट, ऐसी रात में। ट्रोइलस मी थिंक्स माउंटेड द ट्रॉयल, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो है उसने दीवारों पर चढ़कर एंड साइड हिज सोल, और अपनी आत्मा से इतनी लंबी आह भरी होगी टूवर्ड्स द ग्रीशियन टेंट्स, ग्रीशियन जो यूनानी हैं, जो यूनानी के टेंट्स लगे हुए थे जहाँ पर क्रिसिडा सो रही थी, उस तरफ मुंह करके उसने दीवार पर चढ़कर ऐसे ही ऐसी चांदनी रात में आह भरी होगी जैसी आज रात चांदनी रात है, ऐसी ट्रोइलस और क्रिसिडा जो एक लविंग कपल था, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उसका एग्जाम्पल यहाँ लोरेंजो दे रहा है। जैसिका, इन सच ए नाइट डिड दिस बी फियरफुली ओवर ट्रिप द ड्यू एंड सो द लायन शेडो और हिमसेल्फ एंड रैन डिसमेड अवे। फिर वो जैसिका उसको उसको जवाब देती है, कहते ऐसे ही जो रात में, दिस भी एक करेक्टर हुआ है, वो भी लीजेंडरी फिगर है, कितनी ऐसे ही चांदनी रात में दिस भी ने डर डर के ही घास पर पैर रखे होंगे। इन सच ए नाइट डिड दिस बी फियरफुली, डर कर ओवर ट्रिप द ड्यू, ड्यू होता है ओस की घास पर, ठीक है, वो ऐसी घास पर जो गीली हो उस पर पैर रखे होंगे, एंड सो द लायन शैडो और हिमसेल्फ एंड रैन डिसमेड अवे। और देखो कहते ऐसे उसने, हो सकता है कि उसने दिस बी ने जिस शेर की परछाई उसे दिख गई होगी और वो वहां से डर कर भाग गई होगी। इन इन सच ए नाइट, ये एक दूसरे को ना एग्जाम्पल दे दे के ऐसे ही मजाक कर रहे हैं एक दूसरे का, कहीं एक तरह से आउटविट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब वो कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ और नॉलेंज शो करता है कि मैं बुद्धिमान हूँ।
देखिए कहते हैं इन सच ए नाइट डिड दिस बी फियरफुल ओवर ट्रिप द ड्यू एंड सो द लाइंस। देखो दिस बी जब अपने लवर को मिलने गई होगी, मिलने से पहले आर वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ। इन सच ए नाइट डिड दिस बी फियरफुली ओवर ट्रिप द ड्यू एंड सो द लाइंस शेडो आर हिमसेल्फ हिमसेल्फ। देखिए मतलब वो अपने प्रेमी से मिलने से पहले दिस बी ने डर के मारे उस घास पर पैर रखा होगा और शेर की परछाई को देखकर रैन डिसमेड अवे डर कर भाग गई होगी। लोरेंजो इन सच ए नाइट स्टूड डिडो विद ए विलो इन हर हैंड अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स एंड वाफ्ट हर लव टू कम अगेन टू कार्थिस। अब फिर वो डिडो के एग्जाम्पल देते हैं लोरेंजो कि ऐसी ही चांदनी रात हुई होगी जब डिडो जो है ऐसी तूफानी रात में ऐसी ही जो तूफान आया होगा और ऐसी ही रात में डिडो जो है समुद्र किनारे खड़े होकर जी उसके हाथ में बेंत की छड़ी होगी। अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स वाइल्ड वाइल्ड मीन्स यहाँ तो ऐसा समुद्र के किनारे जिसमें कि तूफान आया हो एंड वाफ्ट हर लव। वाफ्ट का मतलब क्या है यहाँ, वाफ्ट हर लव मतलब प्यार की आहें भरना। ओके और अपने प्रेमी के लिए लवर के लिए जो कि आह भर कर उसने कार्थिस को आने का इशारा किया होगा। अब डिडो का जो लवर था वो था कार्थिस टू कम अगेन टू कार्थिस। कहते हैं इन सच ए नाइट ऐसे ही चांदनी रात में स्टूड डिडो विद ए विलो इन हर हैंड जो डिडो है अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स तूफानी समुद्र के किनारे अपने हाथ में एक बेंत की छड़ी लिए खड़ी होगी एंड वाफ्टर लव एंड उसने आह भरी होगी लव की टू कम अगेन अपने लवर को आह भर कर ये कहा होगा अगेन टू कार्थिस। कार्थिस कार्थिस जगह का नाम है कि कार्थिस आने के लिए शायद उसने प्रेमी को कहा होगा। जैसिका देन देखिए जैसिका जैसिका क्या कहती है फिर इन सच ए नाइट मैडा गैदर द एंचेंटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड एजन। अब मैडा का जो लवर था वो एजन था पुरानी कहानियों में, मैंने पहले ही बताया है जैसे हम हीर रांझा रोमियो जूलियट ओके सोनी महिवाल इनके एग्जाम्पल देते हैं और पिक्चर भी बनी हुई है इनके लव पर, तो ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में अके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और जैसिका और लोरेंजो उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। कैसे ऐसे वो जैसिका कहती है कि ऐसी ही रात में जैसी ये चांदनी रात है आज की तरह ही ऐसी ही रात में जो मैडा है मैडा ने गैदर्ड द एंचेंटेड हर्ब्स एंचेंटेड जादुई हर्ब मीन्स जड़ी बूटियाँ गैदर इकट्ठी की होंगी मैडा ने ऐसी ही जादुई जड़ी बूटियाँ जैसे हनुमान जी की संजीवनी बूटी ऐसे ही जो एंचेंटेड है जो जादुई जिसमें कि जीवन दोबारा लाने की शक्ति हो ऐसी जादुई हर्ब्स को इकट्ठा किया होगा। दैट डिड रिन्यू ओल्ड एजन और उन जड़ी बूटियों ने एजन उसके लवर को दोबारा से जवान कर दिया होगा। ओल्ड था वो उसका जो लवर था वो जो एजन था वो क्या था ओल्ड था और उसने मैडा की जो जड़ी बूटियां जो उसने इकट्ठी की थी उसको खाकर वो जवान हुआ होगा। ऐसे ही उसने ऐसी एजन को जवान करने के लिए चांदनी रात में वो हर्ब्स इकट्ठी की गई होगी। लोरेंजो इन सच ए नाइट डिड जैसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दीज यू एंड विद एन आउट थ्रिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट। अब देखो लोरेंजो अपना एग्जाम्पल देने लग गया है, अब जैसिका का मजाक करने लग गया वो क्या इन सच ए नाइट ऐसी ही चांदनी रात में डिड यंग लोरेंजो स्वियर हर लव हर वेल सॉरी ही लव्ड हर वेल कि लोरेंजो यंग लोरेंजो ने कसम खाकर स्वियर होता है कसम खाना कि कसम खाई होगी ही लव्ड हर वेल कि उसे वो हमेशा प्यार करेगा स्टील्ड हर सोल विद मैनी वॉज ऑफ फेथ और ऐसी बहुत सारी विश्वास की कस्में खाकर उसने अपने जो प्रेमिका को चुराया होगा एंड नेवर ए ट्रू वन और जो इनमें एक भी सच्ची साबित नहीं हुई। देखो इन सच ए नाइट डिड यंग लोरेंजो जैसिका कह रही है यहाँ सॉरी लोरेंजो कह रहे हैं इन सच ए नाइट डिड जैसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दीज यू। लोरेंजो कह रहे हैं कि ऐसी चांदनी रात में जैसिका को चुराया होगा फ्रॉम द वेल्दीज यू अमीर जू से। अमीर जू कौन था साइलोक। कि ऐसी ही चांदनी रात में लोरेंजो ने यहाँ लोरेंजो अपने लिए प्रेमी ने
जेसिका के प्रेमी ने वेल्दी जू से चुराया होगा जेसिका को विद एन अनथ्राफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट। अनथ्राफ्ट लव होता है बेटा कि वो लव जो क्या हो, जिसमें जो ज़्यादा खर्च करने वाला हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, फिजूल खर्ची करता हो, कि उस फिजूल खर्च लवर ने ऐसे ही रात में वेनिस से के वेल्दी जूस की डॉटर को चुराया होगा, चुरा कर ले गया होगा एज़ फार एज़ बेलमोंट, और बेलमोंट तक वेनिस से होता हुआ बेलमोंट तक पहुंच गया होगा। जैसिका इन सच ए नाइट, ऐसी रात में डिड यंग लोरेंजो स्वीयर, ऐसी रात में लोरेंजो, यंग लोरेंजो ने कसम खाई होगी ही लव्ड हर वेल, कि उसे बहुत प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा। स्टीलिंग हर सोल विद मैनी वर्ड्स ऑफ फेथ, चुराते हुए उसने उसे विश्वास की बहुत सारी कसमें खाई होंगी, एंड नेवर ए ट्रू वन, और वो कसम एक भी सच्ची साबित नहीं हुई लोरेंजो। इन सच ए नाइट डिड प्रीटी जैसिका लाइक ए लिटिल श्रू स्लैंडर हर लव एंड ही फॉरगिव हर। देखिए श्रू मीन्स डांटना, ठीक है, और वो लेडी जो कि लड़ती है, लड़ाई करने वाली लेडी को बोलते हैं श्रू। कहते हैं इन सच ए नाइट, ऐसी ही रात में डिड प्रीटी जैसिका, उस सुंदर जैसिका ने लाइक ए श्रू लिटिल श्रू, थोड़ी सी लड़ने वाली झगड़ने वाली औरत की तरह स्लेंडर हर लव, अपने प्यार से लड़ाई की होगी, एंड ही फॉरगेव इट हर, और उसे माफ़ भी कर दिया होगा, ही फॉरगेव इट हर। जैसिका आई वुड आउट वी आउट नाइट यू डिड नो बॉडी कम बट हार्क आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन। कहते देखो आई वुड आउट नाइट यू, पूरी रात मैं तुम्हें अपनी बुद्धिमता से हरा सकती हूँ, ऐसे डिड नो बॉडी कम, अगर कोई नहीं आया तो मैं पूरी रात भी तुम्हें ऐसे ही जवाब दे सकती हूँ। बट हाक, सुनो, हाक होते सुनना, आई हियर द फुटिंग ऑफ ए मैन, मुझे किसी आदमी के पैरों की आवाज़ आ रही है। एंटर स्टेफनो अ मैसेंजर, स्टेफनो एक मैसेंजर है, एक संदेश वाहक, वो आता है। देखिए जो शॉर्ट, अगर आपका क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, हु वाज वाले, हु वाज जेसिका, हु वाज लोरेंजो, और ऐसे छोटे हु वाज बाल्थाजार, हु वाज बेलेरियो से कौन था लॉयर, पेडवा सॉरी बेलेरियो कौन था, या स्टेफनो कौन था, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और असेसमेंट टेस्ट में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट करेक्टर्स के, छोटे छोटे माइनर करेक्टर्स के, तो आपने उनको ध्यान देना है। तो एंटर स्टेफनो, एक मैसेंजर आता है, वो क्या मैसेज लेकर आता है, देखिए मैसेज आया है, लोरेंजो हु कम्स सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, इतनी रात में, कहते हैं इतनी चुपचाप कौन आया है, स्टेफनो अ फ्रेंड, कौन है पूछता है, स्टेफनो बोलते हैं अ फ्रेंड, मित्र हूँ सर, दोस्त हूँ आपका, लोरेंजो अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, कौन दोस्त, योर नेम, आई प्रे यू फ्रेंड, अपना नाम बताओ प्लीज दोस्त, तो स्टेफनो, स्टेफनो इज माई नेम, एंड आई ब्रिंग वर्ड, और मैं कुछ मैसेज लेकर आया हूँ, माई मिस्ट्रेस विल बिफोर द ब्रेक ऑफ डे बी हेयर एट बेलमोंट, मेरी जो मालकिन है दिन निकलने से पहले वो बेलमोंट पहुँच जाएंगी, सी डज स्टे अबाउट बाय होली क्रॉसेस, अभी तो होली क्रॉसेस यहाँ चर्चिज़ के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, अभी तो वो स्ट्रे घूम रही हैं, स्ट्रे अबाउट बाय होली क्रॉसेस, चर्चिज़ में जा रही हैं, एक चर्च से दूसरे चर्च में, वेयर सी नील, जहाँ पर वो घुटनों के बल बैठती हैं, प्रे करती हैं फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स, और अपनी अच्छे मैरिड लाइफ के लिए वो वहाँ एक चर्च से दूसरे चर्च में अभी प्रे कर रही हैं, जा रही हैं। लोरेंजो हु कम्स विद हर, कौन आएगा उनके साथ, स्टेफनो नन बट ए होली हर्मिट एंड हर मैड, मैं उसकी मेड आएगी और एक साधु आएंगे संत, आई प्रे यू इज माई मास्टर येट रिटर्न, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्लीज़, क्या मेरे मालिक आ गए हैं वापस, लोरेंजो ही इज नॉट नोर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, ना नहीं वो नहीं आए और नहीं अभी हमें उनका कोई मैसेज मिला है, बट गो वी इन, आई प्रे दी जैसिका, जैसिका मेरी आपसे प्रार्थना है, चलो अंदर चलते हैं, एंड सेरेमोनियसली लेट अस प्रिपेयर, और आओ हम क्यारियाँ करते हैं सेरेमनी की, सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, इस घर की मालकिन आएंगी और उसकी मालकिन का वेलकम करने के लिए आओ हम कुछ तैयारी करते हैं। अब लॉन्सलॉट आता है, अब लॉन्सलॉट स्लॉट जो है वो थोड़ा मस्तमोला सा करेक्टर है, छोटा माइनर करेक्टर्स है, लो सोला सोला वो हा हो सोला सोला, अरे हरे करता हुआ आता है, हु कॉल्स
लोरेंजो कहता है कौन कौन बुला रहा है, ठीक है। तो फिर लॉन्सलॉट 16, डिड यू सी मास्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो 16 16, मतलब वो अपने आप में ही मस्त है। लॉन्सलॉट जब आता है कहता है अरे हो सुनो सुनो, तो लोरेंजो हु कॉल्स, कौन बुला रहा है, मतलब लॉन्सलॉट 16, अरे सुनो डिड यू सी मास्टर, क्या आपने मास्टर लोरेंजो को देखा है, मास्टर लोरेंजो 16 16, जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना कई माइनर करेक्टर्स होते हैं, सामने करेक्टर खड़ा होता है फिर भी कहते हैं अच्छा वो कहाँ है, अच्छा आप हो, तो ऐसे इस तरह से माइनर करेक्टर जो है मजाकिया तरीके से बोलते हैं और वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, या ह्यूमर क्रिएट करने के लिए एक लॉन्सलॉट करेक्टर को डाला गया है। लॉन्सलॉट 16, डिड यू सी मास्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो 16 16, लोरेंजो लीव हेलोइंग मैन हेयर, आप ये शोर शराबा बंद करो यहाँ से चले जाओ। लॉन्सलॉट 16, वेयर वेयर कहाँ कहाँ, लोरेंजो हेयर, लॉन्सलॉट टेल हिम देर इज़ अ पोस्ट कम फ्रॉम माई मास्टर विद हिज हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज़, उन्हें बता दो, लॉन्सलॉट को कह रहे हैं सॉरी लोरेंजो को बता दो, उन्हें बता दो कि मेरा मास्टर एक बड़ी अच्छी खबर के साथ आ रहे हैं, माई मास्टर विल बी हेयर आर मॉर्निंग, और मेरे मास्टर सुबह मॉर्निंग से पहले यहाँ आ जाएंगे। एग्जिट लॉन्सलॉट, लॉन्सलॉट निकल जाता है। लोरेंजो स्वीट सोल लेट लेट्स इन एंड देयर एक्सेप्ट देयर कमिंग एंड येट नो मैटर वाई शुड वी गो इन, चलो हम अंदर चलते हैं पहले तो कहता है, बट फिर कहते हैं नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वाई शुड वी गो इन, हमें क्यों जाना चाहिए अंदर। माई फ्रेंड स्टेफनो सिग्निफाई आई प्रे यू विद इन द हाउस, स्टेफनो आप जाओ अंदर और मेरी आपसे प्रे है, विद इन द हाउस योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इन टू द एयर, और म्यूजिक अरेंजमेंट कीजिए, आपकी मैडम आने वाली है घर की मालकिन, तो आप म्यूजिक का अरेंजमेंट करो। और इस प्रकार स्टेफनो निकल जाता है और फिर नेक्स्ट म्यूजिक अरेंजमेंट होता है, तो म्यूजिशियन क्या गाता है, ये लॉन्ग पैसेज है और ये हम करेंगे कल, ओके। तो बहुत इजीएस्ट है और ये फनी है, ह्यूमर क्रिएट है इसमें, तो कल हम मैक्सिमम इसको करेंगे, परसों ये आपका नेक्स्ट डे इसको हम कंप्लीट करेंगे।